अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल आज बेसिकली नॉट कल, कल हमें इस होटल को और मॉस्को को छोड़ के जाना था सेंट पीटर्सबर्ग। आज मैं अगेन रिपीट कर दूँ, आज हमें जाना था मॉस्को को छोड़ के सेंट पीटर्सबर्ग। और जब मैं कल अपनी बुकिंग कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो सेंट पीटर्सबर्ग फीफा वर्ल्ड कप की वजह से इस टू डिफ़िकल्ट कि वहाँ पे कोई भी सीट मिले, किसी भी ट्रेन के अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, इवन के नॉर्मल ट्रेन में भी सीट अवेलेबल नहीं थी, हाई स्पीड ट्रेन में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश करके परसों की सीट जो है वो ली है, और परसों मैंने हाई स्पीड की सीटें बुक की हैं अपनी। अब जब मैंने परसों की हाई स्पीड की सीटें बुक की तो जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली और जिसको मैंने सॉल्व किया, नंबर वन प्रॉब्लम ये हुई कि जिस होटल में मैं अभी हूँ, इस होटल में मुझे सिर्फ आज तक का स्टे था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास बुकिंग जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा आपको ये होटल छोड़ना पड़ेगा। नंबर टू, जो मैंने सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर होटल लिया था, ठीक है ना, उसकी डेट भी चेंज करानी थी, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से मैं आज पहुँचने वाला था 21 जून को, लेकिन मैं 21 जून को नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि 21 जून को मैं यहीं था, मुझे कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मैं वहाँ पे कैसे चेक इन करता। तो मेरे लिए दो टास्क हो गए थे कि नंबर वन टास्क ये था कि जी मुझे किसी भी सूरत के अंदर पहला तो मॉस्को के अंदर एक होटल लेना है, ठीक है, और मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे यही होटल मिल जाए। जब मैंने इस होटल से जाके कन्फर्म किया, मैंने उनको फ़ोन किया, रिसेप्शन पर बात की, तो हुआ ये कि इन्होंने तो जो लेडी है उन्होंने कहा कि जी हमारे पास बुकिंग अवेलेबल नहीं है, आपको किसी और होटल में मूव करना पड़ेगा। थैंक्स टू booking.com, मैंने उसी वक्त booking.com के ऊपर जाके चेक किया और अवेलेबिलिटी मारी, और लकीली मेरे साथ हुआ ये कि एक ही रूम खाली था जो कि 21 की रात को अवेलेबल था, और मैंने फ़ौरन से जाके उस रूम को बुक कर लिया booking.com से। इस बात का अभी तक रिसेप्शन को नहीं पता कि वो रूम मैंने ही बुक किया हुआ है जो फ्री था। तो पहली चीज़ तो वहाँ पे मुझे ये क्लियर होगी कि मैं जिस होटल में मौजूद हूँ, इसी होटल के अंदर, इसी अपार्टमेंट के अंदर मुझे आज की रात का भी स्टे मिल गया, मतलब मैं आज 21 जून की रात भी यहाँ पे गुजार सकता हूँ, और मुझे कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। वरना एक हेडेक हो जाता है कि मैं जाता हूँ दूसरे किसी होटल्स को लेता, वहाँ पर जाके मूव करता, हो तो जाता लेकिन फिर भी एक काम बन जाता, कुछ प्लस एक्सपेंसिस भी हो जाते हैं, ठीक है ना, उस सिलसिले में। तो पहले तो booking.com का शुक्रिया कि उसने ये चीज़ मेरे लिए आसान कर दी, मैं वहीं स्टेशन से बैठे बैठे मैंने ये काम किया, मुझे फ़ौरन से वो booking.com खोली और मैंने उसको जाके वहाँ पे इस होटल को बुक कर लिया। दूसरा टास्क ये था कि जी अब मुझे सीट चाहिए जो कि 22 की थी। अब मैं आज की रात यहाँ पे मॉस्को में मौजूद हूँ और कल सेंट पीटर्सबर्ग के लिए निकलूँगा, तो मैंने हाई स्पीड ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग की मुझे मिल गई है 22 तारीख की, ठीक है ना। तो 22 तारीख मतलब 22 जून आज के हिसाब से कल, ठीक है ना, तो कल मैं 22 जून को सेंट पीटर्सबर्ग के लिए निकलूँगा, और सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से मुझे अराउंड 3 घंटे 46-50 मिनट का है हाई स्पीड ट्रेन के अंदर, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा, इन द मीन टाइम एक और चीज़ हुई, वो ये कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर मैंने जो होटल बुक किया था वो था नाइट में, मतलब 21 जून को। अब जब यहाँ पे सीट का इशू आया तो इस होटल को भी एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, और उस होटल की जो चेक इन थी वो 21 से उठा के 22 में शिफ्ट करनी थी। तो अगेन फिर मैंने उस होटल्स को कॉल किया, उन होटल से बात हुई, उसके बाद फिर उन होटल्स वालों ने कहा कि जी हम booking.com वालों को बोलेंगे, और booking.com एक USA का ऐप है आपको पता है। तो booking.com ने मुझे फिर वहाँ से कॉन्टेक्ट किया मेरे पाकिस्तान के नंबर पर, और पाकिस्तान के नंबर पर मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं तो रशिया में मौजूद हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे मेरे होटल ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी आपको कोई रशियन कांटेक्ट देना पड़ेगा, तो जो मेरे पास रशियन सिम थी तो जिस उसके पर तो booking.com ने मुझसे कन्फर्मेशन के लिए मुझे रशिया कॉल की कि आपने सर अपनी बुकिंग चेंज करानी है, जो कि मैंने 21 जून से उठा के 22 जून करनी थी। तो मैंने उसको फिर वहाँ पे उसको चेंज किया, तो उन्होंने वो सारी मेरी कार्रवाई जो है वो कंप्लीट की। तो सेकेंड टास्क भी ऑलमोस्ट जो है ना वो कल मुझे को 3 से 4 घंटे लगे, और ये सारी कार्रवाई मैंने रेलवे स्टेशन पर बैठ के किया, और वहाँ बैठ के मैंने ये सारी चीज़ें बुकिंग। अच्छा, लोड इतना है कि टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इस चीज़ को देखते हुए कि जी टिकट्स की ये सिचुएशन चल रही है, मुझे सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मेरी एक और डेस्टिनेशन है जो कि मैं सूची है, जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं 2007 के आई थिंक सो, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं, बट विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, और एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है रशिया की सूची के नाम से,
मैं मूव करूंगा मॉस्को से सैन पीटर्सबर्ग, देन सैन पीटर्सबर्ग से मैं जाऊंगा सूची। तो मुझे सूची जाना था और जो हालात यहाँ पे नज़र आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि सूची का टिकट मुझे वहाँ से मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि कल की ही तारीख में अपना सैन पीटर्सबर्ग से सूची का भी टिकट जो ना वो बुक कर लिया। मैं 24 तारीख को सैन पीटर्सबर्ग से निकलूँगा और एक लंबी ट्रेन है जो कि ऑलमोस्ट 46 घंटे की ट्रेन है, वो मैंने ली है सैन पीटर्सबर्ग टू सूची। टास्क थे जो भी चीज़ें थी जो कल की तारीख में मैंने फेस की हैं और फिर सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद कल फिर हमने मॉस्को का सिटी टूर ट्राम में किया और उसके अंदर भी बड़ा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और फाइनली फिर हम उसके साथ वापस आए अंडरग्राउंड मेट्रो से। तो आज हम यहाँ पे एक लैक है, मतलब एक छोटी सी झील है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर आज का दिन गुजारेंगे। देन टुमारो मूव टू सेंट पीटर्सबर्ग, देन उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि आगे क्या सिलसिला। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।